हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जहाँ पर हम बात करने वाले हैं द रियल मीम कॉइन के बारे में। सारा कुछ हम जानेंगे, कैसे ये खरीदना है, क्या था इसका एयरड्रॉप, जिसने भी इसके एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट किया था उनके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ आने वाले टाइम पर ये बेनिफिट किस तरह से हमें दे सकता है और क्या इसका एक्चुअल में कंसेप्ट है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक आप वीडियो में जरूर से बने रहना। और गाइस, ये मीम कॉइन कोई कैटेगरी का नाम नहीं है, इस कॉइन का नाम ही है मीम कॉइन। आपने जरूर इसका नाम तो सुना होगा, बिकॉज ट्विटर पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड इसका बना हुआ है और ये ट्रेंड आज या कल में नहीं है, काफ़ी टाइम से लंबे टाइम से चल रहा है। बिकॉज इसका जो एयरड्रॉप है वो भी काफी ज्यादा फेमस हुआ था बिकॉज ऑफ इसकी वेबसाइट। अगर आप देखोगे इसकी वेबसाइट को अच्छे से, तो वहां पर इन्होंने जो इनका रोड मैप है वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो मीम कॉइन्स है ये एक्चुअल में लिटरली मीम कॉइन है, ना इसका कोई प्रोमिसेस है। जैसे कि आप देख सकते हो, मीम इज अ लिटरली अ मीम कॉइन, नो यूटिलिटी, नो रोड मैप, नो प्रोमिसेस, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फाइनेंशियल रिटर्न्स। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि इनका सीधा सीधा कहना है कि ये जस्ट अ मीम कॉइन है, एक्चुअल मीम कॉइन है, इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, ना ही इसका कोई रोड मैप होने वाला है कि हम एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे रहते हैं लाइक कि आने वाले टाइम पर क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई प्रोमिसेस नहीं दे रहा है और कुछ भी एक्सपेक्टेशन इससे नहीं होने वाली है। तो जस्ट 100% मीम कॉइन है ये। तो अब गाइज, ये है किसकी तरफ से? मीम लैंड की तरफ से। मीम लैंड का नाम भी आपने सुना होगा बिकॉज वो पिछले एक साल में, अगर आप देखोगे बेरिस मोड में भी, जो उसका मेटावर्स में जितने भी अपडेट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे। रोड मैप को अगर आप देखोगे तो वेबसाइट में आपको कुछ इस तरह से नजर आता है, जहाँ पर फायर सेल, एयरड्रॉप, ये सारी चीज़ें आपको जरूर देखने को मिलेंगी। अब फायर सेल में अगर आप देखोगे तो इसका जो प्राइस था गाइज वो था 0.001, यानी कि 2 जीरो के बाद में 1, और अभी के टाइम पर। और एक बात और क्लियर कर दूं कि जो कॉइन मार्केट कैप पर एक दो कॉइन और भी लिस्टेड है जिनका नाम जरूर आपको मीम कॉइन देखने को मिलेगा, बट उनका सिंबल जो है वो गाइज MEM है, और यहाँ पर आप देख सकते हो MEME, तो ये वाला रियल है जो कि आज ही लिस्टेड हुआ है। आप देख सकते हो लगभग दोपहर में ये लिस्ट हुआ था और इसका प्राइस आप देख सकते हो 0.02 के आसपास है, यानी कि लगभग 20 गुना का प्रॉफिट ऑलरेडी उन लोगों को हो चुका है जिन्होंने इसको प्री सेल में बाय किया था फायर सेल के अंदर, या फिर जिसने भी इसके एड्रॉप में पार्टिसिपेट किया था, तो उनकी भी बल्ले बल्ले ऑलरेडी हो चुकी है। अब उन लोगों के लिए जिन्होंने मीम कॉइन्स में ना तो इन्वेस्ट किया था और ना ही इसके बारे में सुना है, तो वो भी आने वाले टाइम पर इस कॉइन से कैसे बेनिफिट बना सकते हैं वो चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। गाइस, मीम कॉइन को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज भले ही इन्होंने लिखा हुआ है कि नो प्रोमिसेस, कुछ भी हो सकता है, लाइक मीम कॉइन है तो इसमें कोई गारंटी नहीं है रिटर्न्स की, और मीम कॉइन है प्रॉपर 100% मीम कॉइन है, तो इसमें इन्वेस्ट भी उतना ही करना है जो हम एक्चुअली रिस्क ले सकते हैं, जो ज़्यादातर हम मीम कॉइन्स में डालते हैं, लाइक किसी के लिए वो $2, $5, $10 भी हो सकता है। अब अगर आप इनका ट्विटर हैंडल देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2.4 मिलियन फॉलोवर है। अब गाइज, बड़े बड़े कॉइन्स अगर आपने देखोगे लाइक पाई जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो उससे उसके टक्कर के इसकी कम्युनिटी ऑलरेडी हो चुकी है, और बाई मीमलैंड है या उसका नेटिव टोकन हम कह सकते हैं, तो उनके भी फॉलोवर्स आपको पता ही होंगे कितने ज़्यादा है, 2.8 मिलियन। और यहाँ पर ये ट्रेंड भी कर रहा है ट्विटर पर गाइज, और काफ़ी ज़्यादा आपको ये दिखेंगे इसकी पोस्ट, आप देख सकते हो 2,27,000 के आसपास हैशटैग मीम कॉइन्स से रिलेटेड पोस्ट ऑलरेडी हो चुकी है। अब इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो है 69 बिलियन, मतलब अदर मीम कॉइन्स की तरह नहीं है, जो डोज बेस्ड मीम कॉइन है या फिर अदर जो मीम कॉइन है जिनकी सप्लाई ट्रिलियंस में क्वाड्रिलियंस में है, बट इसकी सप्लाई आप देख सकते हो बिलियन में। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, और इसमें से भी आप देख सकते हो कि 25% ऑफ द टोटल सप्लाई इन्होंने एयरड्रॉप में दी थी, और कहीं ना कहीं 15% जो है वो ये देने वाले हैं फायर सेल के अंदर। तो ये काफ़ी बढ़िया कंसेप्ट है कहीं ना कहीं इसका। फिलहाल हम कह सकते हैं कि विदाउट कंसेप्ट ये आया है, हालांकि हम कंसेप्ट का नाम जरूर ले रहे हैं, बट देखा जाए तो कोई कंसेप्ट भी नहीं है इसके पीछे बिकॉज ये टोटली एक मीम कॉइन है। बट क्यों ये इतना हाइप क्रिएट हो रहा है, और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इसका लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप देखोगे यूनिस्वैप पर ERC20 टोकन है, यानी कि इथेरियम बेस्ड ये कॉइन बना हुआ है, आने वाले टाइम पर बाकी चेन्स पर भी ये डेफिनेटली आने वाला है बिकॉज इसकी जो हाइप है वो काफ़ी ज़्यादा हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगी। फिलहाल आप देख सकते हो कुकॉइन जैसा बड़ा एक्सचेंज इस वहाँ पर ये लिस्टेड होने वाला है। OKX पर ये लिस्टेड हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो OKX काफ़ी बड़ा एक्सचेंज है गाइस। इंडियन एक्सचेंजेस की बात करें तो सन क्रिप्टो पर ये आज की डेट में लिस्ट हो चुका है ऑलरेडी, आप देख सकते हो वहाँ पर जाकर 1 घंटे में ये लिस्ट हो जाएगा। फिलहाल के टाइम पर आप देख सकते हो जो टाइम है वो 4:51 हो चुका है यहाँ पर मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आने वाले 1 घंटे के अंदर अंदर ये वहाँ पर भी लिस्ट हो जाएगा। अब देखिए गाइज, अगर इसकी जो प्राइस है वो इतनी रहती है 0.02 के आसपास, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको बाय कर ही लीजिए, हो सकता है ये अचानक से डाउन भी आ सकता है बिकॉज कुछ भी हो सकता है, आफ्टरऑल ये है तो मीम कॉइन। बट क्यों इसको इतने बड़े बड़े एक्सचेंजेस सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक बाइनेंस भी आने वाले टाइम पर इसको लिस्ट करने वाला है, ऑलरेडी उसकी अनाउंसमेंट भी आ चुकी है। ये इस वजह से गाइस, क्योंकि मीम कॉइन्स जो है आपने देखा होगा जितने भी NFT वर्ल्ड अगर आप देखोगे, और खास करके वेब 3 में भी फिलहाल के टाइम पे जो NFT और जो मीम बेस्ड चीज़ें हैं वो ज़्यादा कहीं ना कहीं
फेमस हो रही है, आर्ट वर्क जो है वो ज़्यादा फेमस हो रहा है, तो ये मीम कॉइन जो है कहीं ना कहीं इसकी सप्लाई और इसकी यूटिलिटी का कोई झंझट नहीं है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं एक हाइप ये उस वे में क्रिएट कर रहा है, क्योंकि मीम लैंड जो है वहाँ पर जो मेटावर्स का जो पूरा उनका यूटिलिटी है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हुआ था और मीम कॉइन वहाँ पर यूज़ हो रहा है। साथ ही साथ आने वाले टाइम पर ये भी रूमर्स हैं कि जो मीम कॉइन है ये कई बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के साथ में टाइप भी कर सकता है, जहाँ पर इसको एज अ पेमेंट मेथड यूज किया जा सकता है। अब देखिए गाइज, ये काफ़ी बड़ी बात है, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं डोज कॉइन, शिबा इनू या बेबी डोज कॉइन, इनको ये पीछे छोड़ चुका है पॉपुलरिटी के मामले में काफ़ी कम समय में। और आने वाले टाइम पर हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ये कॉइन है अकॉर्डिंग टू इसकी सप्लाई डॉलर्स में भी जा सकती है इसकी प्राइस। गाइज अगर आप देखोगे तो मीम कॉइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड अभी भी कर रहा है और आने वाले टाइम पर भी डेफिनेटली करेगा, बिकॉज इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, यही इसका यूनिक कंसेप्ट बनता जा रहा है। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा, क्योंकि मैं खुद भी यही चीज़ अप्लाई करने वाला हूँ, कि आने वाले टाइम पर जैसे ही ये 3-4 बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर ऑनबोर्ड हो रहा है तो हो सकता है इसकी प्राइस जो है उसमें हाइक बनी रहे कंटिन्यूसली। जैसा कि आप देख सकते हो 0.02 अभी भी ये हो सकता है ये 4, या फिर हो सकता है कि 10 और किल कर दे, ये भी एक चांसेस है, बिकॉज मीम कॉइन है, हमें आगे पीछे इसका कुछ नहीं पता है, बट इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम अचानक से जैसे रातों रात बढ़ा है तो आने वाले टाइम पर भी बढ़ सकता है, जबकि ये काफ़ी बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर ऑनबोर्ड होने वाला है, तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो। बाकी अगर आप कभी भी फ्यूचर में इसमें एंट्री लेने का सोचोगे गाइस, तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि आपको काफ़ी मिनिमम ही इसमें इन्वेस्ट करना है जो कि आप मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हो, बिकॉज ये तो एक्चुअल रियल मीम कॉइन है, तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत और डालिए जरूर गाइस। जो लोग ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल भी इसको बाय नहीं करूंगा, हो सकता है उनका खुद का प्रेडिक्शन सही हो, जो भी हो, बट मैं इसको बाय करने वाला हूँ फॉर श्योर, थोड़ा बहुत बिल्कुल मिनिमल अमाउंट के साथ में मैं जाने वाला हूँ, और हो सकता है वो शायद मैं कूकॉइन पर या किसी भी एक्सचेंज पर होल्ड करके रख सकता हूँ फॉर लॉन्ग टर्म विजन, बिकॉज अगर ये आने वाले टाइम पर, बिकॉज जैसे कि मीमलैंड की तरफ से है, तो मीमलैंड ने जो भी अभी तक किया है वो सारा कुछ ही फेमस हुआ है, सब कुछ सक्सेस हुआ है, तो आने वाले टाइम पर अगर वो अपने नेटिव टोकन को किसी अलग तरह से यूज करता है तो हो सकता है इसकी सप्लाई की वजह से इसका जो प्राइस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाए, 100 गुना 1000 गुना तक भी बढ़ सकता है गाइस, तो ये भी आप अपने दिमाग में जरूर से रखिए। बाकी आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना गाइस, मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।